हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल के आइकन को जरूर सेट कर देना, साथ ही शेयर कर देना ग्रुप्स में और लाइक जरूर से करना है, ठीक है। तो आपके लिए दो अपडेट्स लेकर आया हूँ और एक रिक्रूटमेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। ITBP की तरफ से जो है ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है और इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमांडेंट की है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 10 है, सैलरी बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं। वैकेंसीज टोटल 11 हैं, जनरल की 6 हैं, EWS की 1, SC की 1, ST की 1 और OBC की 2, ठीक है। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये डेट, क्लोजिंग डेट देख सकते हैं आप, ठीक है। 1992 के बाद 10 सितंबर के बाद होना चाहिए और 9 सितंबर 2022 तक का रहना चाहिए आपका DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन फ़ी जो है 400 रुपये है, ठीक है। और एक सर्विस मैन SC ST के लिए फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन मोड में आपको जो है ये फिल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं www.recruitment.itbppolice.nic.in, ठीक है, इस पर जाकर आपको कर देना है। और इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका जो है फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट देखेंगे, यानी आपको थोड़ा फिज़िकली आपको जो है चेक करेंगे कि आप फिट हैं या नहीं मेडिकली। और डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिज़िकल और मेडिकल का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और इसमें सैलरी बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है अगर आप सेलेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो है ये वैकेंसीज हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो है जॉब है। और ओपनिंग डेट है इसकी 11 अगस्त और क्लोजिंग डेट है इसकी 9 सितंबर, ठीक है। तो ये इससे पहले आपको फिल करना है, तो बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है। और सेकंड जो अपडेट है वो बहुत ही गेट 2023 से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आया हूँ। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 30 अगस्त से शुरू होगा, 30 अगस्त से शुरू होगा, ट्यूसडे उस दिन है। और क्लोजिंग डेट है आपका 30 अगस्त से शुरू होगा और 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा आपका ये, यानी पोर्टल ऑफ बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 7 अक्टूबर तक होगा, जिसमें कि एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं ये लोग। और मॉडिफिकेशन 2023 एप्लीकेशन का 4 से लेके 11 नवंबर में कर पाएंगे। एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और गेट 2023 के जो एग्ज़ाम होंगे वो 4, 5, 11 और 12 ये जो है आपको होने वाला है फरवरी 2023 में, ठीक है। और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट मिलेगी वो 15 फरवरी को आपकी आउट हो जाएगी, 21 फरवरी को इसका जो है आंसर की अवेलेबल हो जाएंगी। 22 से लेके 25 फरवरी तक आपका जो है चैलेंज जो रिस्पॉन्स में रहेंगे आंसर कीज़ में वो आप कर पाएंगे। और रिजल्ट जो होगा वो 16 मार्च को आउट होगा। और स्कोर कार्ड जो है आपका, ठीक है, कैंडिडेट्स डाउनलोड कर पाएंगे 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आउट कर चुका है गेट 2023। तो आपको अपनी तैयारियां बहुत बढ़ा देनी है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और इसके थ्रू जो है PSUs के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं और डेफिनेटली अच्छी चांसेस रहने वाले हैं इस बात के कि कमिंग ईयर में यानी 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा PSU जो है रिक्रूटमेंट करेंगी, क्योंकि 2024 में आपको पता है कि चुनाव होने हैं, ठीक है, आम चुनाव होने वाला है, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट ज़रूर इस पर पड़ेगा। तो आपको जो है अपनी तैयारी करते रहना है, अच्छे से तैयारी करना है और डेट्स भी आउट हो गई हैं, अब आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।